आज ऑटो एक्सपो में टाटा ने लगभग 4 से 5 कारों को शोकेस किया, यानी रिवील कर दिया ऑफिशियली। उसके बाद पूरे ऑटो इंडस्ट्री में खलबली सी मच गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के होश भी उड़ गए हैं, क्योंकि टाटा ने काफी बेहतरीन कारों को ऑटो एक्सपो में रिवील कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इनमें से मेजोरिटी ऑफ कार्स ऐसी है जो कि 80% प्रोडक्शन रेडी मॉडल है, यानी इन कारों के अंदर अब सिर्फ 20% काम किया जाएगा, उसके बाद इन कारों को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। आज टाटा ने कर्व कूपे स्टाइल एसयूवी कार को रिवील किया जो कि 80% प्रोडक्शन रेडी मॉडल था। उसके बाद हैरियर का ईवी मॉडल भी शोकेस किया। भाई इसका लुक देखकर मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। इसके बाद टाटा बहुत जल्दी पंच का सीएनजी मॉडल लॉन्च करेगी, अल्ट्रोस का सीएनजी मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा, और टाटा ने सियारा ईवी को भी इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है ऑफिशियली। हालांकि टाटा कंपनी सियारा एसयूवी कार के अंदर एक पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी, यानी इस कार को पेट्रोल इंजन के साथ इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा, और ये कार ईवी फॉर्मेट के अंदर भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। यानी जिस तरह से आज टाटा नेक्सॉन के अंदर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी आ जाती है, सिमिलरली सियारा के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन मिल जाएगा। 2025 तक टाटा कंपनी सियारा को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इस कार को एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में टाटा की ये एसयूवी कार इंडियन मार्केट में आग ही लगा देगी। और कुछ रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस कार की पोजीशन टाटा हैरियर के ऊपर रहेगी, यानी जिस सेगमेंट के अंदर जीप कंपास बिकती है इंडिया में, उस सेगमेंट के अंदर सियारा इंडियन मार्केट में बिकने वाली है। तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको 20 लाख रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं कर्व की बात करूं तो ये एक कूपे स्टाइल एसयूवी कार होने वाली है, और इस कार के अंदर आपको एक नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि इससे पहले बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इस कार के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाएगा, यानी ये कंप्लीटली ईवी कार होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज टाटा ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस कार के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस कार का लुक। भाई ये कार फ्रंट से दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इसका रियर का फीचर आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। काफी अट्रैक्टिव स्लोपिंग रूफ लाइन रखा गया है, और रेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ भाई इस कार का रोड प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। जिस तरह से इस कार का एक्सटीरियर लुक है, उससे कई गुना बेहतर आपको इस कार का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। टाटा ने इस कार के इंटीरियर में काफी बेहतरीन फीचर्स को इंक्लूड किया है। अब बात आती है हैरियर ईवी की। आज के डेट में हैरियर इंडियन मार्केट में अच्छी खासी बिक रही है, और हैरियर का रोड प्रेजेंस काफी बेहतरीन है, लेकिन हैरियर का ईवी मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। लाइक 2025 तक टाटा कंपनी हैरियर का ईवी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो एक्सटीरियर लुक है, इसके एक्सटीरियर में आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो नॉर्मल चेंजेस करे गए हैं ये काफी ज्यादा आई कैचिंग है। इसका रियर का फीचर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। जो एलईडी टेल लाइट का यूज किया है इसके टेलगेट के ऊपर, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और ये दिखने में काफी ज्यादा अपीलिंग लगता है। इसके अलावा इसका फ्रंट का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। टाटा हैरियर का ईवी मॉडल फ्रंट लुक से काफी बढ़िया लग रहा है। शायद प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर टाटा कंपनी चेंजेस कर सकती है, यानी फ्रंट फीचर में आपको नॉर्मल से अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। शायद अलग डिजाइन के साथ टाटा कंपनी हैरियर का ईवी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, लेकिन हैरियर का ईवी मॉडल 2025 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। ये कंसेप्ट मॉडल आज शोकेस किया है ऑटो एक्सपो में। इसके अलावा टाटा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पंच के सीएनजी मॉडल के कुछ वीडियोस रिलीज करे हैं। इसके अलावा अल्ट्रोस के सीएनजी मॉडल का भी वीडियो रिलीज किया है, और अल्ट्रोस का जो रेसर एडिशन मॉडल है, यानी जो स्पोर्टियर वेरिएंट है, उसका भी एक वीडियो यहां पर रिलीज हो चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों में ये तीनों ही कारें आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। हालांकि यहां पर वीडियो के अंदर ये मेंशन किया गया है कि टाटा कंपनी इस कार के अंदर 2 CNG टैंक का इस्तेमाल करने वाली है, तो यहां पर आपको अच्छी खासी रेंज मिलेगी, अच्छा खासा माइलेज मिलेगा, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 CNG टैंक होने के बावजूद भी आपको ऊपर अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी पंच सीएनजी के अंदर। लेकिन इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा विजिबल था इस वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीजें यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रोस का भी सीएनजी मॉडल लॉन्च हो जाएगा, और ये भी लगभग 25 के ऊपर आपको माइलेज देने वाली है सीएनजी किट के साथ। और हाँ, एक कार मेरे से छूट गई, अविन्या। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, आज टाटा ने अविन्या को भी शोकेस किया ऑटो एक्सपो में, और इस कार को 2025 तक टाटा कंपनी इंडिया में लॉन्च कर सकती है। ये भी कॉन्सेप्ट मॉडल था, हालांकि जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। तो इन कारों को आज टाटा ने ऑटो एक्सपो में शोकेस किया, लेकिन ऑटो एक्सपो इस पूरे हफ्ते होने वाला है दिल्ली में। बहुत सारी कार कंपनियां अपने कारों को शोकेस कर रही है, लॉन्च कर रही है, उनके ऊपर मैं अपडेट वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेक श्योर करना कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है, क्योंकि मुझे पता है अपने से बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं चुप चुप कर, लेकिन लाइव
लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार दिल से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियोज़ के अंदर, तो वो चीज़ भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर ज़रूर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि टाटा आने वाले समय में कौन कौन सी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है।